आज हमारे पास मेरी खुद की गाड़ी है नेक्सॉन ऑटोमेटिक यानी कि AMT ट्रांसमिशन के साथ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि AMT गाड़ी चलाएं कैसे, क्योंकि इसके अंदर कोई क्लच ही नहीं है, यहाँ पर यह सिर्फ ब्रेक है और एक्सीलेटर है। माफ़ करना कि यहाँ पर जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठिए, उसके बाद आपको देखना है कि गाड़ी कौन से मोड में खड़ी। यहाँ पर हमारी गाड़ी न्यूट्रल मोड में खड़ी है। गाड़ी थोड़ी गंदी पड़ी है क्योंकि वीडियो शूट करता रहता हूँ, इसलिए थोड़ा मेरी गाड़ी खड़ी है न्यूट्रल के अंदर। अब ऑटोमेटिक गाड़ी में और मैनुअल गाड़ी में ये डिफरेंस होता है कि अगर मैनुअल गाड़ी को आप किसी भी गेम में स्टार्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर आपको या तो न्यूट्रल में स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर पी में स्टार्ट करना पड़ेगा। जो DCT वेरिएंट है, जो CVT वेरिएंट है, उनमें आपको पी होगा यानी कि पार्किंग मोड, वहां पर जाके स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको लेके आ सकते। लेकिन यहां पर आपको N के ऊपर स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को किसी गियर में बंद नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए चढ़ाई के ऊपर या ढलान के ऊपर खड़े हैं तो आप गाड़ी को किसी भी गियर में बंद कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए मैं ऑटोमेटिक में बंद करना चाहूं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। देखिए यहां पर फर्स्ट गियर लिखा गया है, इसको अगर बंद करना चाहूं तो ये गाड़ी बंद हो गई है। अब देखिए गाड़ी बंद है, लेकिन अगर मुझे स्टार्ट करना है तो ये है फर्स्ट गियर के अंदर, ऑटोमेटिक के अंदर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले न्यूट्रल या फिर पी मोड में जाना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपको ब्रेक दबाने पड़ेगा, अगर आप ब्रेक नहीं दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी। देखिए जैसे हमने पैर पीछे कर लिए और हम चलाने की कोशिश करते हैं, ऊपर देखिए एन मोड है, तो आपको ब्रेक दबाने ही पड़ेंगे। ब्रेक दबाने के बाद आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। देखिए RPM बढ़ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, आपको पीछे जाना है तो R पे जाइए और आगे जाना है तो A पे जाइए। अब नॉर्मली जैसे मैनुअल गाड़ी के अंदर होता है, अगर गाड़ी फ्लैट सर्विस पे खड़ी है तो आपको क्लच दबाना है और गियर चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ब्रेक दबाना है। ब्रेक दबाने के बाद ही आप ऑटोमेटिक पे शिफ्ट कर पाएंगे। ये देखिए फर्स्ट गियर लग गया और यहाँ पर रिवर्स करना है तो R दब गया। लेकिन अगर आप मान लीजिए ब्रेक नहीं दबाते और शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो शिफ्ट नहीं करेगा, तो ये एक सेफ्टी फीचर है। दूसरा सेफ्टी फीचर ये है कि मान लीजिए अगर आपका डोर अच्छे से बंद नहीं हुआ है, यहाँ पर देखिए हमारा इंडिकेटर आ चुका है डोर के ऊपर, अगर डोर बंद नहीं हुआ अच्छे से और आपने ब्रेक दबा के आगे कर दिया है, नॉर्मली होगा क्या कि गाड़ी को आगे मूव करना चाहिए लेकिन गाड़ी आगे मूव नहीं करेगी। देखिए मैंने ब्रेक छोड़ दिया है, हैंड ब्रेक मैं हटा देता हूँ, ये देखिए गाड़ी ने कुछ मूवमेंट नहीं किया है। ठीक है, अगर वहीं पर मैं ब्रेक दबा के डोर बंद किया और उसके बाद देखना कि मेरा एक हाथ तो यहाँ पर, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, और अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मैं जैसे ब्रेक से पलटाऊंगा, ये देखिए गाड़ी ने आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक सेफ्टी फीचर होता है। दूसरा, उसके बाद अगर आप चलती गाड़ी के अंदर, मान लीजिए कोई बच्चा बैठा हुआ है, चलती गाड़ी के अंदर आपने ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगाया हुआ है, ऑटोमेटिक लगाया हुआ है और किसी ने R दबा दिया, मतलब ऐसे कर दिया शिफ्ट, तो क्या होगा, गियर बॉक्स टूट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जैसे मैनुअल गाड़ी के अंदर एक फिजिकल कनेक्शन होता है गियर बॉक्स के अंदर, यहाँ पर वो नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ डिजिटल है। तो इसमें अगर मान लीजिए आप R पे शिफ्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीप करेगा वो और गियर शिफ्ट नहीं करेगा। और बीच में अगर चाहें तो आप मान लीजिए आप ढलान पर काफ़ी टाइम चल रहे हैं, आपको न्यूट्रल में चलना है तो आप न्यूट्रल भी कर दीजिए, बिना ब्रेक दबाए न्यूट्रल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको मान लीजिए गियर में शिफ्ट करना है, चलती गाड़ी के अंदर बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर आप A दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक के अंदर भी। अब मान लीजिए आपने गाड़ी ऑटोमेटिक के अंदर भी कर दी, ब्रेक लगा के आपने गियर भी शिफ्ट कर दिया, डोर भी बंद है, उसके बाद भी आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, ठीक है, तो उस रीज़न क्या रहेगा? उसका रीज़न ये रहेगा कि आपका जो हैंड ब्रेक है वो इंगेज है। यहाँ पर देखिए हमने हैंड ब्रेक लगा दिया है, ऑटोमेटिक गियर पर शिफ्ट है, यहाँ पर देखिए 1A है, और यहाँ पर अगर हम पैर हटाएं तो गाड़ी मूव नहीं करने वाली। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी ज़्यादा ही सेफ होती है इसके अंदर और गाड़ी मूव नहीं करती, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगती है मेरे को ऑटोमेटिक गाड़ियों के अंदर। और इस गाड़ी के अंदर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। एक और चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, कि गाड़ी के अंदर क्लच तो होता ही नहीं है, तो क्लच के लिए हमारा जो लेफ्ट पैर है, अब इसका क्या करें, इसको हम ब्रेक लगाने के लिए यूज़ करें या फिर क्या करें? इस पैर को कुछ नहीं करना, इसको यहाँ साइड में ऐसे चिपका के रख दो, यहाँ पे एक टेप लगाओ, वेलक्रो लगाओ, यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, इसको इसका कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ लेफ्ट, आपको सिर्फ राइट पैर का ही काम है बस ऐसे, और कुछ नहीं करने का। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको ये वाला पैर उठा के ब्रेक लगाना है, बस हाई स्पीड के ऊपर आपको जबरदस्ती रोकना है तो ही आप इसका ऐसे इस्तेमाल करें, ऐसे रोक सकते हैं, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करना। इसको यूज़ एक और जगह पे कर सकते हैं, मान लीजिए आपको एकदम से रेसिंग मोड में जाना है,
तो रेसिंग मोड में आपको क्या करना होता है, गाड़ी को हम रेव करते रहते हैं, क्लच दबा के एक्सीलेटर दबा के रेव करते रहते हैं और सडनली हम क्लच छोड़ते हैं, गाड़ी भागती है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ब्रेक दबा के रखना है और रेव करना है ऐसे हाँ 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 हाँ, उसके बाद जैसे ही ब्रेक छोड़ेंगे तो ये एकदम से गाड़ी भागेगी। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर, और ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बेसिकली ये AMT गाड़ी है तो इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन है और मैनुअल ट्रांसमिशन को कंट्रोल गाड़ी करती है। इसको मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे ए पे गए उस पर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो एम पे चला जाएगा। हर एक गाड़ी का अलग अलग फंक्शन होता है। यहाँ पर आप वो गाड़ी का जो गियर है आप उसको लिमिट कर सकते हैं। मान लीजिए आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो आपको वन पे चाहिए तो वन पे शिफ्ट कर सकते, वन पे लिमिट कर सकते हैं, टू पे लिमिट करना है तो टू पे लिमिट कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी होती है एम की। लेकिन वो शिफ्टिंग जो है, मान लीजिए आप हाईवे पर चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से गियर शिफ्ट करूँ, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक गाड़ी का जो RPM है और स्पीडोमीटर है जब तक वो अलाउ नहीं करेगा तब तक नहीं हो सकता। बस इतनी सारी चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिक गाड़ियों के बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हूँ, बहुत ही आसान होता चलाना इसको, मैनुअल गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अगर कोई भी सवाल इस गाड़ी के बारे में या फिर कोई भी सवाल है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में तो मुझे माई मोटर गाड़ी इंस्टाग्राम हैंडल या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका सवाल का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।